हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, वैसे तो मैं छोटे स्टॉक्स पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट इन स्टॉक्स पे मैंने कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम पहले वीडियोस बनाई थी। लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा हैवी रहता है इन स्टॉक्स पे, तो कहीं ना कहीं आज की वीडियो भी तो छोटे स्टॉक, एक ही सेगमेंट के स्टॉक। स्टॉक का नाम है आर पावर यानी रिलायंस पावर, और सेकेंड स्टॉक है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आर इंफ्रा। इन दोनों स्टॉक्स के रिजल्ट्स आते हुए दिखे, कैसे रहे रिजल्ट्स, कैसी होनी चाहिए आपकी पोजीशन, इन स्टॉक्स को खरीदना चाहिए, लॉन्ग टर्म के मल्टीपैगर है क्या, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलते होंगे। तो मैं अपना व्यू इन स्टॉक्स पे रखना चाहता हूं, और डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में दे दूं, ये मेरा पर्सनल व्यू होगा, आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड लें, ठीक है। जो मैं बातें शेयर करूं ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, और वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं, क्योंकि काफी लोग कुछ और सोचते हैं स्टॉक्स के लेकर। तो आर पावर के रिजल्ट्स कैसे रहे इसके बारे में बात करते हैं, आर इंफ्रा के रिजल्ट्स एंड सपोर्ट लेवल्स, टारगेट लेवल्स, कैसे पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में अपनी आज की इस वीडियो में बात करूंगा आप सभी के साथ। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दे ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आए, पसंद आए, तो प्लीज को लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं आर पावर के रिजल्ट्स की तरफ। तो आर पावर के रिजल्ट्स कैसे हैं इसके बारे में बात करें तो 12.50 रुपीस के लेवल्स पे स्टॉक कल के सेशन में क्लोज हुआ है, लगभग 1% की तेजी के साथ। रिलायंस पावर का कंसोलिडेटेड नेट लॉस पोस्ट करा है कंपनी ने, नेट लॉस 5.55 बिलियन रुपीस वर्सेस प्रॉफिट 726 मिलियन रुपीस। अब मैं मिलियन और बिलियन को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके आपको समझाता हूँ। 72 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले कंपनी ने 555 करोड़ का लॉस पोस्ट करा, यानी 72 करोड़ का प्रॉफिट जो था लास्ट ईयर, वो इस साल 555 करोड़ के लॉस में बदलता हुआ दिखा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने 13 करोड़ का लॉस पोस्ट करा है, और रेवेन्यू की बात करें तो 18.46 बिलियन रुपीज का रेवेन्यू आता हुआ दिखा है 16.55 बिलियन रुपीज के मुकाबले, यानी रेवेन्यू में जंप है, प्रॉफिट जो है वो बुरी तरीके से टैंक होता हुआ दिखा है, लॉस में आ चुकी है कंपनी। तो रिजल्ट्स तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा, अभी आर पावर के रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बाद दोनों स्टॉक्स के चार्ट पे बात कर लेंगे, पोजीशन कैसे मेंटेन करनी है इसके बारे में बात कर लेंगे। आर पावर के रिजल्ट्स के बारे में बात करूं, उससे पहले आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपका किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है प्लीज कमेंट करिए, मैं उस पर या तो पूरी वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। आपको बस इतना याद रखना है, जब आप कमेंट करें उसके बाद आप मेरी वीडियोस के साथ साथ शॉर्ट्स को भी वॉच करें, ताकि जब मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। आर पावर के रिजल्ट्स देखते हैं तो यार यहाँ क्या इस तक साल हिसाब किताबें देखते हैं, क्वार्टर फोर के कंसोलिडेटेड ये भी लॉस है, क्वार्टर फोर कंसोलिडेटेड नेट लॉस 4.49 बिलियन रुपीस वर्सेस प्रॉफिट 16.11 बिलियन रुपीस ईयर ऑन ईयर बेसिस, ये बहुत ही ज्यादा खराब हो गया मामला। 1611 करोड़ के प्रॉफिट के सामने कंपनी ने 449 करोड़ का लॉस पोस्ट कर दिया, यानी बहुत ज्यादा नीचे आ गया स्टॉक। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 1.07 बिलियन रुपीस का लॉस पोस्ट करा, यानी 107 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस हुआ है कंपनी को। रेवेन्यू की बात करें तो 41.6 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू आया 41.8 बिलियन रुपीस के मुकाबले, यानी यहां रेवेन्यू में भी हल्की सी गिरावट है। प्रॉफिट तो दोनों कंपनियों का बुरी तरह गायब हो गया है, लॉस में आ चुकी है बुरी तरीके से, और रिलायंस इंफ्रा का तो रेवेन्यू भी कम हुआ है, और आर पावर का रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा है, बट कोई फायदा नहीं है जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ। तो अब पहले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, आर पावर की स्टॉक की बात करूं तो 4250 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। एंड गाइस, कल के सेशन में 1.8 करोड़ शेयर ट्रेड हुए थे, कल का मतलब है मेरा फ्राइडे के सेशन से। 2.4 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, 19 रुपीस का 52 वीक हाई है, 6 रुपीस का 52 वीक लो है। इस स्टॉक में मैंने काफी वीडियोस भी बनाई थी पिछले कुछ टाइम में, जब लगभग 12.5, 14, 15 रुपए यहाँ कहीं ट्रेड करता था, 12 रुपए पे आपको हमेशा खरीदने की सलाह दी है मैंने स्टॉक जिन लेवल्स पे। इस स्टॉक में इसके टारगेट स्टॉप लॉस के बारे में बात करता हूँ डायरेक्ट आप सभी से। देखिए, रिजल्ट्स के बाद स्टॉक कहीं ना कहीं अगर आपको 12.35 या 12 रुपीस का लेवल ब्रेक करे तो एग्जिट के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि उसके बाद स्टॉक में आप सभी को एक साल का कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ दिखेगा। लो स्टॉक आपको जाता हुआ दिख सकता है 10 रुपए तक, 10 या 10.5 रुपए तक, 12 रुपए के नीचे एग्जिट के मौके, क्योंकि वहां से 10 रुपए तक का टारगेट बन सकता है स्टॉक में। लेकिन 12 रुपीज का एक सपोर्ट है स्टॉक का, जो कि स्टॉक ने लगभग 3 बार टेस्ट करा है, तो वहां कहीं आपको रुकता हुआ दिख सकता है स्टॉक। अगर उसके नीचे जाएगा तो गिरावट हो सकती है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में क्या ये मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है, इसको लेकर काफी क्वेश्चन है, तो मेरा इसके लिए जवाब होगा
मुझे नहीं पता हो ना हो, पर मैं ये सलाह दूंगा इस स्टॉक से दूर रहें। हमें नहीं करना है ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट जिसका मुझे फ्यूचर ही समझ में आए। मुझे ऐसे स्टॉक में पैसा लगाना है जहां मुझे लगे ग्रोथ है, कंपनी काम क्या कर रही है अच्छा कर रही है और प्रॉफिट बना रही है। इस स्टॉक में 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वॉल्यूम्स अंधे रहते हैं, लेकिन ये स्टॉक आपको वहीं का वहीं दिखता है, पेनी स्टॉक के रूप में ट्रीट होता है। हालांकि मार्केट कैप इसका कोई पेनी स्टॉक जैसा नहीं है, तो मैं इसे अवॉइड करने की सलाह दूंगा। आप ट्रेडर हो, 12 रुपए पे 12.5 रुपए खरीदिए, 14 रुपए बेचते रहिए, 10% प्रॉफिट बुक करते रहिए, और 12 रुपए नीचे जाए तो बेच दीजिए, 10 रुपए के पास दोबारा खरीदिए 10 रुपए के स्टॉप लॉस से, यही आपके लिए लेवल्स होंगे। बाकी मुझे मल्टीबैगर का तो समझ नहीं आता इस स्टॉक में कुछ भी, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ। अब बात करते हैं आर इंफ्रा। स्टॉक में काफी शानदार तेजी देखने को मिली है आप सभी को, 6 रुपए 8 रुपए का लो है, 107 रुपए का हाई है। स्टॉक हायर हाई एंड हायर बॉटम का चार्ट पे फॉर्मेशन दिखाता हुआ दिख रहा है पिछले एक साल में, और लगभग अपने लोअर लेवल्स पे आके ट्रेड कर रहा है। 2.3 लाख शेयर्स करके सेशन में ट्रेड हुए, एवरेज वॉल्यूम्स की बात करूं 6.9 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। कंपनी का जो करेक्ट स्टॉप लॉस है वो 100 रुपए का ही है, स्टॉक ने वहां पे लगभग डबल बॉटम बना रखा है 99 और 100 रुपए पे। अगर स्टॉक 99 रुपीज के नीचे या 95 रुपीज के नीचे, 99 ही एग्जैक्टली रख सकते हैं आप, ऐसे 99 के नीचे निकलता है तो एग्जिट के मौके, अदरवाइज स्टॉक आपको दोबारा बाउंस बैक में 120 और 115 रुपीज के लेवल्स स्टॉक दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से कैसा है, लॉन्ग टर्म में मुझे ये स्टॉक भी कोई ज्यादा खास नहीं लगता है, लेकिन स्टॉक में काफी चार्ट पे अच्छा ग्रोथ दिख रही है, तो आप इसमें एक ट्रेंड लाइन का एसएल रख लीजिए। करीब लगभग आप जो है 80 रुपीज के स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म में भी होल्ड कर सकते हैं। ये मेरी वीडियो आर इंफ्रा और आर पावर को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।